कल आप डिप्टी कमिश्नर से मिले, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ आश्वासन दिलाए गए? देखें, अभी तक तो यकीन नहीं हो रहा है और ना भरोसा है और ना भरोसे करने के काबिल है, क्योंकि काफ़ी बार हमने ये मसले रखे तब भी यही आश्वासन दिए गए। आज भी कहा गया कि भाई पिछले जो 3-4 महीने से जो राशन लैब्स है यानी नहीं दिया है तो वो भी हम तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। कल जो एडी फूड वगैरह है वो सारे वहाँ पे साइट पर आएंगे जहाँ का ये मसला है हमारे बागना वगैरह का, और जो वहाँ पे एयरटेल टीम है या जियो वाले हैं वो सारे आएंगे, उनके सामने वहीं पे जो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है वो सारे मसले देख के, जो पिछले 3-4 महीने का राशन लैप्स हुआ है यानी जो इनको नहीं दिया गया, इनको कहा गया कि आपके फिंगर नहीं लग रहे राशन नहीं मिलेगा, वो भी दिला दिया जाएगा। अब हम इंतज़ार करते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनने कहा है कि भाई हम आपका मसला हल करेंगे, देखते हैं हफ्ते तक अगर मसला हल होता है, वरना ये अभी तो एक पंचायत का मसला था, एक पंचायत वाले आए थे, हमारी 8 से 10 पंचायत जो है उनका सबका मसला ये है। अगर मसला हल नहीं हुआ आने वाले यानी 3 से 4 दिन आने वाले एक हफ्ते के बाद हम इंशाल्लाह अज़्ज़ुजल मालिक ने चाहा तो पूरी 4-5 पंचायतों के लोग हैं सारे मिलके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर यहाँ पे हम धरना देंगे। फिर मुझे ये बताइए कि जो हाउस होल्ड हैं कितने, ऐसे कितने हाउस होल्ड हो सकते हैं जिनको अभी तक ये राशन वागुजार नहीं किया गया है? ये कम से कम 3 से 4 हज़ार हाउस होल्डर है, 3 से 4 हज़ार छोटी बात नहीं है, समझो हमारा पूरा आधा ब्लॉक नागसिनी है वो राशन के बगैर 4-5 महीने का राशन उनका पेंडिंग है, क्या कहते हैं लैप्स हो गए, बाद में ब्लैक में बेचते हैं, क्या करते हैं खुदाई जाने, ये सारे मिली भगत है इनकी। और अभी तो डीसी साहब तो बोल गए कि भाई कोई बात नहीं हफ्ते तक हो जाएगा, भरोसा हमें है नहीं, अब देखते हैं क्या पता मत कर दे कोई अलादीन का चिराग मत कहीं से आए, अगर हल होगा तो अच्छी बात है, हम इसको मुबारकबाद देंगे डीसी साहब को, नहीं हुआ तो फिर तो पता ही, फिर शेम शेम हमने बोलना ही, हमारा काम है ये बोलना। और दूसरी बात, एक चीज़ जो बोली डीसी साहब ने कि भाई लीडरों के मसलों में काम नहीं चलते, लीडर ही पूरे हिंदुस्तान को चलाते हैं, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये चलाने लग गए ब्यूरोक्रेट रहा तो पूरा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना, जैसे जम्मू कश्मीर का, यह साफ बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।